हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल स्टार नॉलेज इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो जो है दिल्ली पुलिस, जी हाँ दिल्ली पुलिस में जो आप लोगों की वैकेंसी निकली हुई है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल की, इसके लिए जो कि आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुके हैं। 1 अगस्त से ही इसके ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुके हैं, यानी कि कल से इसके ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुके हैं। कल ही इसका नोटिफिकेशन आया था और इसके नोटिफिकेशन से रिलेटेड पूरी रिक्रूटमेंट की जानकारी, इसके अलावा कैसे आप लोग इसमें ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, इसकी पूरी जानकारी मैंने जो है अपने वीडियोस में दे रखी है। आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इसकी रिक्रूटमेंट की जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद आप लोग किस प्रकार से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे पूरी जानकारी आप लोग को मिल जाएगी, A to Z स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, यदि आप लोग न्यू कैंडिडेट है तो रजिस्ट्रेशन से लेकर आप लोग प्रिंट निकालने तक की पूरी जानकारी मैंने अपने वीडियो में दी हुई है, कहीं आप लोगों को भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट आज का जो मेरा वीडियो है ये किस टॉपिक पे है ये जानना बहुत जरूरी है, तो मैं आप लोगों को बताऊं। जैसे ही आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करें, जी हाँ बहुत से स्टूडेंट ने पहले ही दिन जो है ऑनलाइन अप्लाई कर दिए, चलिए अच्छी बात है, लेकिन इतनी फास्ट भी जो है ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना चाहिए। 1 या 2 दिन वेट जरूर करना चाहिए ताकि जो उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह है, यदि कुछ उसमें डाउट्स वगैरह है वो सब क्लियर हो जाए, उसके बाद ही ऑनलाइन अप्लाई करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी वेबसाइट ओपन हुई और धड़ाधड़ उसमें लग गए और अप्लाई करने में, तो ये जो नॉलेज मेरे को है उसको मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूँ। जी हाँ, इतनी फास्ट भी आप लोग को जो है ऑनलाइन अप्लाई नहीं करनी चाहिए। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आप लोग को जो है फिर प्रॉब्लम होती है कि सर हमारा ये रह गया, हमने ये कर दिया, वहां पे ये दिक्कत हो गई, फोटो में ये दिक्कत हो गई, रजिस्ट्रेशन में ये दिक्कत हो गई, तो 1 या 2 दिन जरूर वेट करना चाहिए ताकि उससे जो रिलेटेड जो डाउट्स वगैरह जो निकल के आ रहे हैं वो सब क्लियर हो जाए। चाहे वो डाउट्स कहीं से भी आप लोगों को क्लियर हो, अपने फ्रेंड्स वगैरह से क्लियर करें या फिर आप लोग यूट्यूब चैनल से क्लियर करें, तो आज के टाइम में यूट्यूब चैनल एक बहुत बड़ा माध्यम है किसी भी डाउट्स को क्लियर करने के लिए। तो आज मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में, आज दूसरा दिन है ऑनलाइन अप्लाई का और मैं आज ही आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया, क्योंकि जिन बच्चों ने ऑनलाइन अप्लाई किया है, स्टार्ट किया है और कर दिया है, सभी को प्रॉब्लम आ रही है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज फोटो को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि सर फोटो को एडिट कैसे करें, फोटो पे जो डेट है वो कैसे लिखें, डेट बिना विदाउट डेट हमने अप्लाई कर दिया, अब क्या होगा, क्या फोटो पे डेट लिखनी चाहिए नहीं लिखनी चाहिए, फोटो को मॉडिफाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें आई हैं। तो ये सब दिक्कत और बहुत ज्यादा कमेंट्स मेरे जो फोन पे आए हैं, कुछ कमेंट्स के मैंने जवाब दिए हैं लेकिन बहुत सभी के जवाब नहीं दिए जा सकते और ये इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने चाहिए, इस वजह से मैंने आप लोग को ये वीडियो बनाया है। तो सबसे पहली बात, क्या फोटो को मीन्स आप लोगों ने यदि पहले रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है तो आप लोगों ने फोटो वहां पे डाला हुआ है तो क्या फोटो को एडिट कर सकते हैं, क्या उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, न्यू फोटो डाल सकते हैं? तो हाँ ये हो सकता है। आप लोग जैसे ही SSC की वेबसाइट पे जाएंगे, लॉगिन पासवर्ड डालेंगे अपना, जो भी आप लोगों ने पासवर्ड बनाया है, लॉगिन करने के बाद जो भी आप लोग की ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट चल रही होगी उसमें आप लोगों को सबसे ऊपर जो है मॉडिफिकेशन का जो है आप लोगों को रजिस्ट्रेशन मॉडिफाई करने का जो ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करके आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन में मॉडिफाई कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आप लोग को मॉडिफिकेशन हो, कुछ भी हो, A to Z, या तो मोबाइल नंबर हो, कुछ भी डेट ऑफ बर्थ वगैरह गलत लिख दी है, फोटो को एडिट करना है, कुछ भी एड्रेस वगैरह में कुछ चेंजेस आ गए हैं या फिर कास्ट वगैरह में कुछ भी, आप लोग जो है वहां से मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप लोग को SSC की वेबसाइट पर लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही या फिर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप लोग का ऑप्शन आएगा। यदि आप लोग नए स्टूडेंट हैं तो आप लोग को तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं, यदि आप लोग न्यू स्टूडेंट हैं तो आप लोग को जो है न्यू फोटो डालना है, न्यू सब कुछ करना है तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो पुराने स्टूडेंट हैं उन्हें दिक्कत आ रही है। तो आप जैसे ही लॉगिन करते हैं ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट चल रही है, रिक्रूटमेंट में आप लोग जैसे ही ऊपर की तरफ देखेंगे आप लोग को जो है रजिस्ट्रेशन मॉडिफाई का ऑप्शन आ जाएगा, उस रजिस्ट्रेशन उस पर क्लिक करके आप लोग अपने रजिस्ट्रेशन को मॉडिफाई कर लेंगे, फोटो मॉडिफाई कीजिए, मोबाइल नंबर मॉडिफाई कीजिए, कुछ भी आप लोग चेंज कीजिए, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं आने वाली है। तो ये तो हो गया मॉडिफिकेशन से संबंधित, क्योंकि कई स्टूडेंट्स के ऐसे कमेंट्स आए कि सर फोटो कैसे डालें, ये डालें वडल, तो इसमें आप लोग का यही सॉल्यूशन है, आप लोग रजिस्ट्रेशन मॉडिफाई कीजिए, वहां से आप लोग जो है फोटो को अपने जो है चेंज कर सकते हैं किसी भी चीज को। अब इसके बाद बात आ रही है कि
फोटो को लेके एक्चुअली एसएससी का जो नोटिस है इसमें उन्होंने जो मेंशन किया हुआ है जो फोटो है वो 3 मंथ से आप लोग का पहले का नहीं होना चाहिए और फोटो पे जो है आप लोगों की जो डेट है वो डेट लिखी होनी चाहिए, मीन्स 3 मंथ से पहले का आप लोग का नहीं है, उसके बाद की ही आप लोग फोटो पे डेट लिखी हो। तो अब ये कैसे करें, बहुत से स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं। तो मैंने आप लोग को बता दिया आप लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन मॉडिफाई करके आप लोग करेंगे, ठीक है। लेकिन अब इस पे फोटो पे हम अपना जो डेट ऑफ बर्थ कैसे, मींस आप लोग का जो डेट है वो डेट कैसे लिखे कि हम आज अप्लाई कर रहे हैं, हमने आज फोटो खिंचवाई है और इस फोटो पे ये डेट लिखी हुई है। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, बहुत से स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि लैपटॉप यदि चलाते हैं तो लैपटॉप पे फोटोशॉप खोल ले रहे हैं, पेंट खोल ले रहे हैं और उसपे जो है आप लोग जो सेलेक्ट करने के बाद कॉपी पेस्ट करके जो है अपना जो सो टेक्स्ट को एडिट करके जो उसमें आप लोग डेट डाल दे रहे हैं। जी हाँ, ऐसा कर रहे हैं और अधिकतर 95% मैं जानता हूँ सभी बच्चे ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि YouTube पे ऐसे वीडियोस पड़े हुए हैं कि आप लोग फोटोग्राफ पे जो है डेट ऑफ बर्थ कैसे लिखते हैं, फोटोग्राफ पे नाम कैसे लिखते हैं, फोटोग्राफ पे जो आप लोग डेट कैसे लिखते हैं, पूरी जानकारी आप लोग को यूट्यूब पे चैनलों पे दी गई है। तो यदि आप लोग मोबाइल लैपटॉप से कर रहे हैं तो आप लोग को मैंने बताया फोटोशॉप और आप लोग जो पेंट का यूज कर रहे हैं, और यदि आप लोग मोबाइल से कर रहे हैं तो आप लोग का एक कुछ ऐप्स आते हैं, काफी ऐप्स हैं जिनमें आप लोग के कुछ पॉपुलर हैं, जैसे पिक्सलैब वगैरह है, पिक्सा आर्ट वगैरह है, और भी कई ऐप्स वगैरह है, मैंने यूज नहीं करता हूँ तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है कि कौन कौन से ऐप है। तो इन ऐप्स को यूज करके जो है उसमें एडिट कर रहे हैं, और एडिट करने का कारण ये भी है क्योंकि यूट्यूब पे इतने वीडियोस पड़े हुए हैं और बहुत से ऐसे यूट्यूबर भी हैं जो कि अभी अभी अप्लाई भी कर रहे हैं। जी हाँ, दिल्ली पुलिस CRPF अप्लाई भी करते हैं और साथ में जो है वीडियो भी बनाते रहते हैं। जी हाँ, खुद स्टूडेंट भी हैं और खुद ही जो है वीडियोस बना बना के दूसरों को जो है सलाह भी देते रहते हैं। बहुत से यूट्यूबर्स हैं, बहुत ज्यादा यूट्यूबर हैं। जी हाँ, यूट्यूब पे भरमार लगी हुई है ऐसे लोगों की जो कि पढ़ाई के साथ साथ यूट्यूब चैनल खोल लिया है और साथ ही जो है अपना जो लोगों को गाइड भी करते चले जा रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। यूट्यूब पे एक्सपीरियंस लोगों की बहुत ज्यादा कमी है जिससे कि बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं सभी लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि कम से कम आप लोग बच्चों की जो लाइफ है उसके साथ मत खेलिए, जो उनको जो जॉब्स है उसमें जो किसी भी प्रकार का रिस्क मत लेने दीजिए। और यदि आप लोग भी अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग भी जो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए और बहुत ही गौर से इस बात को सुनिए। जी हाँ, मैं एक एक्सपीरियंस होल्डर बंदा हूँ और आप लोग को बता दूँ, जो फोटो आप लोग लगाते हैं अपनी रिक्रूटमेंट में, मीन्स अपने फॉर्म में, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, उन फोटो को आप लोगों को अपने पास हमेशा रखना पड़ता है जब तक कि आप लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हो जाए। जी हाँ, यदि आप लोग कोई फोटो CRPF में लगा रहे हैं, दिल्ली पुलिस में लगा रहे हैं, कहीं भी लगा रहे हैं, CISF में, SSC में लगा रहे हैं, कहीं भी लगा रहे हैं, तो क्या आप लोग जानते हैं कि आप लोग की जो फोटो जो फर्स्ट टाइम आप लोग लगाते हैं यही फोटो आप लोग की लास्ट ज्वाइनिंग तक चलनी चाहिए। जी हाँ, ये चीजें मैं झेल चुका हूं। तो जो जो लोग ये सब बता रहे हैं उन्हें खुद ही नहीं पता, क्योंकि वो खुद ही उन्होंने कुछ आगे अभी तक ऐसा ऐसी किसी सिचुएशन पे ऐसे किसी जो है लेवल तक अभी पहुंचे ही नहीं है, खाली रिटर्न दिया, ऑफिस कर दिया, काम खत्म। लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो फोटो आप लोग लगाते हैं ये फोटो आप लोगों का लास्ट तक रहना चाहिए, चाहे आप लोग रिटर्न देने जा रहे हो, चाहे आप लोग फिजिकल देने जा रहे हो। जी हाँ, यदि आप लोग रिटर्न देने जाएंगे तो भी आप लोग को 2 फोटो लेके जानी है, जब आप फिजिकल देने जाएंगे तो भी आप लोग को सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ फोटो लेके जानी है, इसके अलावा ट्रेड टेस्ट के टाइम, इसके अलावा मेडिकल के टाइम और ज्वाइनिंग के टाइम आप लोग को फोटोज देने हैं। तो ये फोटोज कौन से होते हैं, ये फोटो वही होते हैं जो कि आप लोग फॉर्म में अप्लाई करते हैं। इसके अलावा यदि आप लोग कोई फॉर्म फोटो लगाते हैं तो इससे आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जी हाँ, SSC बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, मैंने खुद देखा हुआ है, खुद झेला हुआ है। जी हाँ, एक एक चीज जो है जो वो बोल दे समझ लो वो काम आप लोगों को करना ही करना है, नहीं तो आप लोग की ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी। और लास्ट स्टेज पे जाके यदि आप लोग सब कुछ क्लियर कर लेंगे तो आप लोग इन छोटी छोटी चीजों से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। फिर आप लोगों को याद आएगी कि किसने मुझे ये चीजें बताई थी, क्यों नहीं, क्या गलत चीजें बता दी, क्यों ऐसा बताया।
तो मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोग जो फोटो अप्लाई कर रहे हैं वो फोटो आप लोगों को लास्ट तक रखनी है। 3 मंथ बिफोर की आप लोगों को फोटो चाहिए। किसी भी प्रकार की आप लोग पुरानी फोटो 2018 2017 की फोटो को आप लोग एडिट करके उसमें जो है फोटोशॉप में पेंट में एडिट करके नंबर लिख के आप लोग मत अप्लाई कीजिए। यदि आप लोग अप्लाई कर रहे हैं आप लोग दुकान पे जाइए, शॉप पे जाइए, वहां बोलिए कि सर हमें फोटो खींचनी है और हमें फोटो पे डेट चाहिए। जी हाँ, लेटेस्ट फोटो आप लोग खिंचवाइए, उसे स्कैन कीजिए, उसे आप लोग जो है अपलोड कीजिए और 10 से 12 कॉपीज जो है आप लोग अपने आगे के प्रोसेस के लिए उसे संभाल के रख लीजिए, पॉलोथीन में लपेट के उस पर आप लोग लिख दीजिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आगे के प्रोसेस के लिए। जैसे कि आप लोग का भी एडमिट कार्ड आएगा, आप लोग रिटर्न देने जाएंगे या फिर फिजिकल देने जाएंगे तो आप लोग को वहां फोटो लेके जाने पड़ेंगे, तो सभी फोटो मैच करने चाहिए। तो आप लोग किसी प्रकार का एडिट मत कीजिए। जी हाँ, कोई एडिट मत कीजिए, ये मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं। आप लोग फोटोशॉप फोटो स्टूडियो में जाइए, जब आप लोग इतना खर्चा कर रहे हैं, इतनी वैकेंसी, इतनी अच्छी वैकेंसी आप लोगों के निकली है 5000 प्लस, तो आप लोग किसी प्रकार का रिस्क मत लीजिए। मैं आप लोगों से कह रहा हूं 30-40 रुपए के लिए आप लोग जो है अपने जो कैरियर को दांव पे मत लगाइए। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है यदि लास्ट में इस प्रकार की छोटी छोटी चीजों से कोई दिक्कत क्रिएट होती है। जी हाँ, मैं आज तक झेल रहा हूं, मैं आप लोग को बताना नहीं चाहता लेकिन मुझे इन सब चीजों की पूरी जानकारी है A to Z। डॉक्यूमेंट्स हो, फोटो हो, सभी चीज आप लोग के एक्यूरेट होने चाहिए। जो उन्होंने बोल दिया है कि हमें OBC इस डेट तक चाहिए, इतने ईयर का चाहिए, तो आप लोग के पास होना चाहिए। जो एक्सपीरियंस होल्डर बंदे हैं वो जान गए होंगे कि मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, बिल्कुल इस डेट से इस डेट तक चाहिए तो चाहिए। यदि इसके ऊपर की डेट की है, इसके नीचे की डेट की है, तो मान के चले कि आप लाइफ टाइम केस लड़ते रह जाएंगे। चाहे आप लोग सेलेक्ट पूरी तरीके से आप लोग सब कुछ क्लियर कर लें, ट्रेड टेस्ट क्लियर कर लें, रिटर्न क्लियर कर लें, मेडिकल क्लियर कर लें, लेकिन कहीं प्रॉब्लम फंस गई तो आप लाइफ टाइम केस लड़ते रह जाएंगे और आप लोग को ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। ऐसी गलती मत कीजिए आप लोग। आप फोटो स्टूडियो में जाइए, फोटो खिंचवाइए, लेटेस्ट उस पर डेट डलवाइए, उनसे बोलिए हमें डेट चाहिए, डेट डलवाइए, उसे स्कैन करके आप लोग जो है अपलोड कीजिए SSC की वेबसाइट पे। इसके अलावा 10 से 12 कॉपीज जो है आप लोग पॉलोथीन में लपेट के उसे एक जगह रख लीजिए, उस पर दिल्ली कांस्टेबल लिख करके, ताकि कभी भी जरूरत पड़े आप उसी फोटो को यूज करें और आप लोग को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। कोई फोटो एडिट मत कीजिए, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कुछ भी एडिट मत कीजिए। एडिट करने के लिए बहुत से सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन ऐसा कुछ मत कीजिए। अब बात आती है कि सर हमने अप्लाई कर दिया है, कल हमने अप्लाई कर दिया, आज सुबह भी अप्लाई कर दिया, मॉर्निंग में हम क्या करें। देखिए, यदि आप मैंने आप लोगों से ये कहा है फोटो सेम होने चाहिए, जी हाँ फोटो सेम होने चाहिए पूरी रिक्रूटमेंट पूरी भर्ती के टाइम तक, तो यदि आप लोगों ने अप्लाई कर दिया है विदाउट डेट कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आएगी। फोटो जो आप लोगों ने लगाए हैं उसे संभाल के रखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यदि आप लोग मेरा ये वीडियो देखने के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग फोटो स्टूडियो जाइए, फोटो खिंचवाइए, उसमें डेट डलवाइए, 10-12, 8-10 कॉपी अपने पास रखिए, एक जो है स्कैन करके आप लोग अपलोड कर दीजिए कंप्यूटर में। गारंटी दे रहा हूं आप लोग को फोटो से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगी पूरी ज्वाइनिंग में। इसके अलावा बहुत प्रॉब्लम आ रही है उस डॉक्यूमेंट्स को लेके, जी हाँ डॉक्यूमेंट्स को लेकर के भी प्रॉब्लम आ रही है कि सर हमने इंटर नहीं करी है, इंटर चल रही है, या फिर हमने कौन सी डेट तक कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो देखिए, ऑनलाइन अप्लाई के समय SSC की वेबसाइट पे कुछ भी अपलोड नहीं करनी है और ना ही किसी प्रकार की जानकारी देनी है कि ये हमारी इस डेट की ये सर्टिफिकेट है, इस डेट का ये सर्टिफिकेट है, ठीक है। जो है सिर्फ आप लोग को एजुकेशन के बारे में बताना है, तो कुछ भी आप लोग को अपलोड नहीं करना है, ना ही लाइसेंस अपलोड करना है, ना ही आप लोग को किसी भी प्रकार का आप लोग का जो OBC SC ST EWS वगैरह कुछ भी अपलोड नहीं करना है। आप लोग अप्लाई कर दीजिए, लेकिन मेरी इस चीज को बात को सुन लीजिए, लास्ट डेट, जी हाँ लास्ट डेट जो आप लोग की 7 नवंबर है, उससे पहले के आप लोग के सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रहने चाहिए। ऑनलाइन अप्लाई के टाइम जरूरी नहीं है, लेकिन फिजिकल के टाइम जो आप लोग की डेट देखी जाएगी, जो डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, वो आप लोग की लास्ट डेट से पहले की होनी चाहिए। आप लोग की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो लास्ट डेट से पहले की होनी चाहिए। आप लोग जो है पास आउट हो जाने चाहिए, चाहे आप लोग का सर्टिफिकेट अभी नहीं आया हो, लेकिन आप पास मतलब आप लोग की जो रिजल्ट है वो घोषित हो चुका हो, आप लोग की जो जानकारी आ चुकी हो मैं पास हो चुका हूँ इंटर में, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लास्ट डेट से पहले ही।
लास्ट डेट से पहले कहीं आप लोगों का ओबीसी होना चाहिए, लास्ट डेट से पहले कहीं आप लोगों का SC ST होना चाहिए, लास्ट डेट से पहले कहीं आप लोगों का EWS होना चाहिए। इन सब चीजों का आप लोग ध्यान रखिएगा 7 नवंबर, जी हाँ 7 सितंबर से पहले का। बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, ये बातें आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, क्योंकि एक एक्सपीरियंस होल्डर बंदा ही आप लोग को ये चीजें बता सकता है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए, आप लोग डॉक्यूमेंट जो है लास्ट डेट से पहले बना लेंगे। अप्लाई के टाइम अभी कोई जरूरत नहीं, आप लोग अप्लाई कीजिए, फोटो वगैरह आप लोग भिजवा के ही लगाइए, ज्यादा बढ़िया है। अप्लाई कर दिया है कोई दिक्कत नहीं है, उन फोटो को आप लोग आगे के लिए संभाल के रखिए। अब बारी आ रही है लाइसेंस को लेके बहुत ज्यादा परेशान है कि लाइसेंस कैसे करें सर। तो देखिए लाइसेंस के लिए तो मैंने आप लोग को अपने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था, जब इसकी वैकेंसी के बारे में जो एक अफवाह उड़ रही थी और एक वायरल हो रहा था वीडियो, तो उसके बारे में मैंने आप लोग को बताया था कि जो भी है ये रियल है और आप लोग की वैकेंसी आने वाली है। आप लोग जो है लाइसेंस के लिए अप्लाई कीजिए। अभी आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया तो थोड़ी सी मिस्टेक तो कर दी है, लेकिन अभी भी आप लोग के पास पूरा टाइम है। जी हाँ, SSC में ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त लाइसेंस की अभी कोई जरूरत नहीं है। और लाइसेंस में मैं आप लोग को बता दूं, लाइसेंस में कोई डेट निश्चित नहीं है, ओनली और ओनली PhD के टाइम तक आप लोग जो है अपना लाइसेंस बना सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, इसके बाद आप लोग RTO ऑफिस जाइए, RTO ऑफिस जाकर के अपना लाइसेंस बनाइए, जो लर्निंग बन जाएगा, लर्निंग के 1 महीने के बाद जो है आप लोग का उसका पक्का हो जाएगा। ठीक है, आप लोग का ड्राइविंग टेस्ट वगैरह होता है, पूरी जानकारी आप लोग YouTube के वीडियोस से ले सकते हैं, या फिर मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, पूरी जानकारी आप लोग को मिल जाएगी। कुछ नहीं है, RTO ऑफिस जाना है, वहां पे आप लोग को ड्राइविंग टेस्ट देना है, सारा काम आप लोग का हो जाएगा। 1 महीने के बाद जो है आप लोग उसे पक्का हो जाएगा, क्योंकि पक्का ही वहां पे जमा करना है, वहां पे लर्निंग जमा नहीं करना है। तो अप्लाई के टाइम अभी कुछ नहीं चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, आप लोग अप्लाई कीजिए विदाउट टेंशन, लेकिन सभी डॉक्यूमेंट्स आप लोग तैयार करवा लीजिए, लाइसेंस हो चाहे कुछ भी चीज हो। इसके अलावा फोटो आप लोग फोटो स्टूडियो जाइए, वहां खिंचवाइए, उसमें डेट डलवाइए, और 8 से 10 कॉपी जो है आप लोग अपनी संभाल के रख लीजिए, 1 कॉपी की जो स्कैन करके आप लोग जो है अपलोड कर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी बतानी है आप लोग को, आप लोग माने ना माने उससे ये अब आप लोग के ऊपर है, लेकिन जो मैंने जानकारी दी है ये जानकारी आप लोग को कोई नहीं देगा। जी हाँ, ये जानकारी आप लोग को सिर्फ वो बंदा दे सकता है जिसने की लास्ट स्टेज तक जो है आप लोग के पहुंचा है और आज तक जो है अपने की हुई गलती की वजह से झेल रहा है। जी हाँ, बहुत प्रॉब्लम होती है जब फोटो मैच नहीं होते हैं। जी हाँ, फोटो मैच नहीं, मैंने SSC का ही एग्जाम दिया हुआ है, लास्ट स्टेज में फोटो मैच नहीं हो रहे थे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, इसीलिए मैं आप लोग को ये जानकारी दे रहा हूँ। जी हाँ, और सर्टिफिकेट OBC सर्टिफिकेट में भी मुझे आज तक प्रॉब्लम चल रही है और उसकी वजह से मुझे केस लड़ना पड़ रहा है। तो OBC का भी आप लोग मान के चलिए कि जो डेट बता देंगे वही होनी चाहिए, 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 3 साल के अंदर का ही होना चाहिए, लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए और सेंट्रल का होना चाहिए। बहुत लोग करते हैं कि सर सेंट्रल का नहीं है, और सेंट्रल में यदि आप लोग की OBC की जाति नहीं आती है लेकिन दिल्ली NCT में आती है तो आप लोग दिल्ली वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग जो है सेंट्रल का बनवाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी, इसके अलावा आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए मुझसे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोग को सभी रिप्लाई करता रहूंगा, लेकिन जो क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं तो मैं वीडियो बनाता हूं ताकि जल्द से जल्द आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिले और ऐसा ना हो कि आप लोगों से कोई मिस्टेक हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, आप लोग मान के चलिए कोई जानकारी आप लोग को ऐसी नहीं देगा, नहीं दे पाएगा ऐसी कोई जानकारी। बिल्कुल लास्ट स्टेज तक आप लोग को फोटो संभाल के रखनी है, फोटो को संभाल के रखना है आप लोगों को। यदि आप लोग रिटर्न क्वालिफाई नहीं कर पाते तो बेकार हो गए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि आप लोग को कॉन्फिडेंस है मैं रिटर्न भी क्वालिफाई कर लूंगा, मैं फिजिकल भी क्वालिफाई कर लूंगा, तो आप लोग अपने फोटो को संभाल के रख लीजिए। आप भी याद करेंगे किसी चैनल वाले ने मुझसे ऐसा कहा था। ओके फ्रेंड्स, तो अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा और जाने से पहले ये कहूंगा कि चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस में आप लोग के लिए लाते रहूं। ओके फ्रेंड, बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।